माँ भारती को प्रणाम, हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम, पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को राम राम। रामायण का पठन जितना मुझे आनंदित कर रहा है, आशा करती हूँ कि इसका श्रवण आपको भी उतना ही आनंदित कर रहा होगा। आइए रामायण के बाल कांड के अगले सर्ग में प्रवेश करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, सियावर राम शरणागतम। ग्यारहवां सर्ग। सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहां से शांता और ऋष्य श्रृंग को अपने घर ले आना। तदनंतर सुमंत्र ने फिर कहा, राजेंद्र आप पुनः मुझसे अपने हित की वह बात सुनिए जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। उन्होंने कहा था, इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन मैं संतानहीन हूँ, यदि आप आज्ञा दें तो शांता के प्रति ऋष्य श्रृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। ब्राह्मण ऋष्य श्रृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्न चित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विज श्रेष्ठ ऋष्य श्रृंग का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वरण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि से अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। राजा के चार पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। महाराज, पहले सत्य युग में शक्तिशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। पुरुष सिंह महाराज, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋष्य श्रृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग प्रदेश के लिए प्रस्थान किया, जहां विप्रवर ऋष्य श्रृंग निवास करते थे। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुंचे जहां मुनिवर ऋष्य श्रृंग विराजमान थे। वहां पहुंचने पर उन्हें द्विज श्रेष्ठ ऋष्य श्रृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। तदनंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋष्य श्रृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहां 7-8 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहां एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋष्य श्रृंग से कहा,
विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि पुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। राजा रोमपाद की अनुमति ले ऋष्यशृंग ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक छाती से लगाया तथा अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा ले रघुकुल नंदन दशरथ वहां से प्रस्थित हुए। उन्होंने पुरवासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तथा सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो। राजा का आगमन सुनकर पुरवासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। तदनंतर राजा दशरथ ने शंख और दुदुम्भी आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ विप्रवर ऋष्य श्रृंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगर निवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋष्य श्रृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्त्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था। ऋषि को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृतकृत्य माना। विशाल लोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतःपुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंद मग्न हो गईं। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषतः महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहां कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋष्यशृंग के साथ बड़े सुख से रही। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। 12वां सर्ग। राजा का ऋषियों से यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव। ऋषियों का राजा को और राजा का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देना। तदनंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय वसंत ऋतु का आरंभ हुआ था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्रवर ऋष्यशृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वरण किया। ऋष्यशृंग ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वीपति नरेश से कहा, राजन यज्ञ की सामग्री एकत्र कराइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तब राजा ने कहा, सुमंत्र तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋत्विजों को बुला ले आओ। सुयज्ञ वामदेव जाबाली काश्यप पुरोहित वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन सबको बुलाओ। तब शीघ्रगामी सुमंत्र तुरंत जाकर वेद विद्या के पारगामी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सबका पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा। महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से भी मुझे सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि ऋषि पुत्र ऋष्यशृंग के प्रभाव से
मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूंगा। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना की। इसके बाद ऋषि श्रृंग आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः यह बात कही, महाराज यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह शुभ अक्षरों वाली बात कही। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञीय अश्व छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋत्विज भी रहें। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म, पुण्याह वाचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपूर्ण हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तब बहुत अच्छा कहकर सभी मंत्रियों ने राज राजेश्वर दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनके आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था की। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी धर्मज्ञ नृपश्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही फिर चले गए। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके वे महाबुद्धिमान नरेश अपने महल में गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। 13वां सर्ग। राजा का वशिष्ठ जी से यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध, वशिष्ठ जी द्वारा इसके लिए सेवकों की नियुक्ति और सुमंत्र को राजाओं को बुलाने के लिए आदेश, समागत राजाओं का सत्कार तथा पत्नियों सहित राजा दशरथ का यज्ञ की दीक्षा लेना। वर्तमान वसंत ऋतु के बीतने पर जब पुनः दूसरा वसंत आया तब तक 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्यायतः उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन द्विज श्रेष्ठ मुनि से यह विनय युक्त बात कही। ब्राह्मण मुनि प्रवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ करावें और यज्ञ के अंग भूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस तरह विघ्न न डाल सकें वैसा उपाय कीजिए। आपका मुझ पर विशेष स्नेह है, आप मेरे सुहृद अकारण हितैषी गुरु और परम महान हैं। यह जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है इसको आप ही वहन कर सकते हैं। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर वशिष्ठ मुनि राजा से इस प्रकार बोले, नरेश्वर तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब मैं करूंगा। तदनंतर वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मणों, यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, बढ़ईयों, भूमि खोदने वालों, ज्योतिषियों, कारीगरों,
नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्र वेत्ताओं तथा बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध करो। शीघ्र ही कई हजार ईंटें लाई जाएं, राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग्य अन्न पान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए जाएं, ब्राह्मणों के रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाने चाहिए। वे सभी गृह बहुत से भोजनीय अन्न पान आदि उपकरणों से युक्त तथा आंधी पानी आदि के निवारण में समर्थ हों। इसी तरह पुरवासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनने चाहिए, दूर से आए हुए भूपालों के लिए पृथक पृथक महल बनाए जाएं, घोड़े और हाथियों के लिए भी शालाएं बनाई जाएं, साधारण लोगों के सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था हो, विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियां बननी चाहिए। जो घर बनाए जाएं, उनमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री संचित रहे, उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हों तथा नगरवासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए, वह भी विधिवत सत्कार पूर्वक दिया जाए, अवहेलना करके नहीं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी वर्ण के लोग भली भांति सत्कृत हो सम्मान प्राप्त करें, काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारी में लगे हों, उनका तो बड़े छोटे का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं, उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है, उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता। अतः तुम सब लोग प्रसन्न चित्त होकर ऐसा ही करो। तब वे सब लोग वशिष्ठ जी से मिलकर बोले, आपको जैसा अभीष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी, कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आपने जैसा कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। तदनंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सहस्त्रों शूद्र हैं, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। मिथिला के स्वामी शूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं, उनको अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ यहाँ ले आओ। इसीलिए पहले तुम्हें यह बात बता देता हूँ। इसी प्रकार काशी के राजा अपने स्नेही मित्र हैं और सदा प्रिय वचन बोलने वाले हैं, वे सदाचारी तथा देवताओं के तुल्य तेजस्वी हैं, अतः उन्हें भी स्वयं ही जाकर ले आओ। केकई देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं, वे राज सिंह महाराज दशरथ के श्वसुर हैं, अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ। अंग देश के स्वामी महाधनुर्धर राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र हैं, अतः उन्हें पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक ले आओ। कौशल राज भानुमान को भी सत्कार पूर्वक ले आओ। मगध देश के राजा प्राप्तिज्ञ को, जो शूरवीर, सर्वशास्त्र विशारद, परम उदार तथा पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, स्वयं जाकर सत्कार पूर्वक बुला ले आओ। महाराज की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों को तथा सिंधु सौवीर एवं सुराष्ट्र देश के भूपालों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दो। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो। इस भूतल पर और भी जो जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं, उन सबको सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथासंभव शीघ्र बुला लो। महाराज की आज्ञा से बड़भागी दूतों द्वारा इन सब के पास बुलावा भेज दो। वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सुमंत्र ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुलाहट के लिए जाने का आदेश दे दिया। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही गए। यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए
जो सेवक नियुक्त किए गए थे उन सबने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो जो कार्य संपन्न हो गया था उस सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ को दी। यह सुनकर वे द्विज श्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सब से बोले, भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर कुछ दिनों के बाद राजा लोग महाराज दशरथ के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए। इससे वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, पुरुष सिंह, तुम्हारी आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए। नृपश्रेष्ठ, मैंने भी यथा योग्य उन सबका सत्कार किया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञ के लिए सारी तैयारी की है। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। राजेंद्र, यज्ञ मंडप में सब और सभी वांछनीय वस्तुएं एकत्र कर दी गई हैं। आप स्वयं चलकर देखें। यह मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है मानो मन के संकल्प से ही बन गया हो। मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋष्य श्रृंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजों ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋष्य श्रृंग को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ किया। पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश ने यज्ञ की दीक्षा ली। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।